हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, सो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कंप्लीट हो गया था, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस था मैंने हमने डिस्कस किया। ठीक है, और अभी हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और इसके ऊपर सारे जो मतलब क्वेश्चन है, मतलब सारे कॉन्सेप्ट का मैंने इंक्लूड किया। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आया। ठीक है, बट मैंने 10 क्वेश्चन चूज किया उसमें से। ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट मतलब बाकी सब तो रिपीट हुआ बार बार क्वेश्चन। ठीक है, तो उस 10 क्वेश्चन करने से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो पहले हम क्या है ना डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसे कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहे हमें। ठीक है, सो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है ना, द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई टू गिव ए हेवियर न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सो एक्स मान लेते एक न्यूक्लियाई, और मान लेते एक वाई मान लेते और एक न्यूक्लियाई, फॉर्म हो रहा है जेड प्लस सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, सो एक्स एंड वाई क्या है, लाइटर न्यूक्लियाई है। ठीक है, एंड जेड फॉर्म हो रहा है, हेवियर न्यूक्लियर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और सब एटॉमिक पार्टिकल एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सो दो और दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई रिएक्ट कर रहा है, देन फॉर्म हो रहा है एक हेवियर न्यूक्लियाई, सब एटॉमिक पार्टिकल एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें चार है और ये दो एप्लीकेशन देखते हैं। सो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, इनिशिएटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी हाई टेम्परेचर में इनिशिएट होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में अगर हम कंपेयर करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में हम टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बताया था, मतलब टेम्परेचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। बट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनिशिएट अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्ट करना है और इनिशिएट करना है तो हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो ये हो गया। देखो सेकंड क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि जो मास का लॉस हो रहा है, कैसे लॉस हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में भी क्या होगा, लॉस ऑफ मास इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी सेम है। ठीक है, देन तीसरा पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड और कंट्रोल्ड। हमने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या देखा था कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करते थे ना, न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते थे। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर ना यूज करें देन न्यूक्लियर फ्यूजन इज अनकंट्रोलेबल। ठीक है, सो कंट्रोल नहीं कर सकते न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को। बट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इतना ज्यादा हीट और एनर्जी रिलीज करता है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जाता, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते हम। ठीक है, सो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैन नॉट बी स्टॉप और कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट क्या है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन रिलीज्ड मोर एनर्जी देन फ्यूजन रिएक्शन। सो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है देन फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो ये चार पॉइंट याद रखना है। देन हम जाएंगे एप्लीकेशन में, क्या क्या एप्लीकेशन है। सो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन किस लिए मतलब यूज करते हैं ना, हाइड्रोजन बोम प्रिपेयर करने के लिए। अगर हाइड्रोजन बोम हमें प्रिपेयर करना है तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यूज करते हैं। और एटॉमिक बोम के लिए क्या था, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, एटॉमिक बोम के लिए था न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ओके, सो दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और हाइड्रोजन बोम के लिए क्या है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो इंपॉर्टेंट है कि द एनर्जी ऑफ सन एंड स्टार्स इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, सो जो सन और स्टार में जो एनर्जी, एनर्जी का मेन सोर्स क्या है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। क्या है, हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम पे और एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज होता है, और सब एटॉमिक पार्टिकल यहाँ पे पॉजिट्रॉन रिलीज होता है। ठीक है, सो ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो इंपॉर्टेंट है सन और स्टार पे कौन सा प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिशन। सो फ्यूजन प्रोसेस होता है, फ्यूजन में क्या होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्शन। ओके, सो मैंने हमने देख लिया, और एक स्लाइड है देख लेते हैं। अब देखो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज नोन एज थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन क्यों, कहाँ से आया ये नाम। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या है ना, टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, तो वहां से आया है थर्मो, थर्मो जो वर्ड है वहां से आ रहा है। और हमें पता है कि फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। ठीक है, सो दिस इज थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है, टू इनिशिएट द रिएक्शन। हाइड्रोजन बोम इज मोर पावरफुल देन एटमिक बोम। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि फ्यूजन जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं देन फिशन। ठीक है, ये पढ़ा हमने एनर्जी के रेस्पेक्ट में।
ठीक है। सो हाइड्रोजन बम में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एटॉमिक बम में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सो हाइड्रोजन बम इज मोर पावरफुल, क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। देन न्यूक्लियर फ्यूजन जो कि यूज होता है, जो भी प्रोसीड होता है कहाँ पे, एटॉमिक बम में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो तीन रिएक्शन है, एक एटॉमिक बम में होता है, एक हाइड्रोजन बम में होता है, और एक सन और स्टार में होता है। ये तीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इंपॉर्टेंटली एक जगह पे मेंशन कर दिया जैसे कि आपको याद रहे, ठीक है। तो तीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे यूरेनियम जो एटॉमिक बम में है, हमने पता है कि एटॉमिक बम में क्या होता है ना, न्यूक्लियर फिशन होता है, ठीक है। सो न्यूक्लियर फिशन होता है, क्या यूज होता है, यूरेनियम 235 92, और एक याद रख लेना प्लूटोनियम 239 94, ये भी याद रख लेना। ये दो जनरली जनरली यूज होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस यही यूज होता है, यूरेनियम 235 92 जो कि है नेचुरल फिशाइल न्यूक्लियाई, प्लूटोनियम 239 94 जो है आर्टिफिशियल फिशाइल न्यूक्लियाई, जो हमने पहले 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 वीडियो देखा था, ठीक है। सो एटॉमिक बॉम्ब भी यूज होता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, कौन सा न्यूक्लियर यूज होता है, यूरेनियम 235 92 एंड प्लूटोनियम 239 94, न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करेंगे सो फिशाइल प्रोडक्ट मिलेगा हमें और एनर्जी मिलेगा, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल। हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो तीन बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। डॉयटेरियम न्यूक्लियाई, ट्रिटियम न्यूक्लियाई, ठीक है। देखो ये दोनों लाइट है न्यूक्लियाई, डॉयटेरियम ट्रिटियम फॉर्म हो रहा है हीलियम, जो कि मतलब डॉयटेरियम और ट्रिटियम से ज्यादा हेवियर है, ठीक है। सो हेवियर न्यूक्लियर फॉर्म हो रहा है, सो लाइटर न्यूक्लियर से फॉर्म हो रहा है हेवियर न्यूक्लियर, सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन फॉर्म हुआ और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म हुआ, ठीक है। सो ये प्रोसेस याद रखना, ठीक है। और तीन नंबर क्या है ना, सन और स्टार में, सन और स्टार में क्यों क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस होता है ना, हाइड्रोजन से कन्वर्शन होता है हीलियम का। आप बैलेंस भी ना याद रखो कोई नहीं, बट याद रखना कि हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्शन होता है, पॉजिट्रॉन रिलीज होता है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, ये याद रख लो बस। हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्शन होता है, पॉजिट्रॉन पार्टिकल रिलीज होता है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, और सन स्टार में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो यही था न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर जो भी पॉइंट था मैंने मेंशन किया, ठीक है। हम क्वेश्चन देखेंगे, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन, सब क्वेश्चन देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।